हेलो गाइस, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन मीडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट सीरियल यानी कि भाग्यलक्ष्मी के अपडेट्स के बारे में। तो में जहां हमें देखने मिलता है मलिष्का ने लक्ष्मी का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया है जिसके कारण लक्ष्मी की सांसें बंद हो गई है। उतने में दूसरी और ऋषि होश में आ रहा है क्योंकि उसकी माँ यानी कि नीलम माता जी के सामने प्रार्थना कर रही है कि उसके बेटे को वो जल्द से जल्द ठीक कर दे। तभी ऋषि को होश आता है और वो लक्ष्मी को पुकारने लगता है पैनिक होकर। होश में आते ही ऋषि लक्ष्मी के वार्ड में जाता है देखने के लिए क्योंकि उसे आशंका हो रही है कि कुछ तो गलत हो रहा है लक्ष्मी के साथ। वहां जाने पर ऋषि को पता चलता है कि लक्ष्मी सांसें नहीं ले रही है। दोस्तों अब आप लोगों को क्या लगता है कि वो क्या करेगा और क्या करेगा दोस्तों ऋषि अब लक्ष्मी को दोबारा लौटाएगा? डॉक्टर्स और नर्स वहीं खड़े होते हैं और दोनों ऋषि को जवाब दे देते हैं कि लक्ष्मी अब सांसें नहीं ले रही है। पर अभी दोस्तों ऋषि को विश्वास होता है कि लक्ष्मी जरूर जागेगी। ऋषि को बहुत ही ज्यादा विश्वास है और उसी विश्वास को लेकर वो लक्ष्मी को पुकारता है और उसे वो कहता है जब तक मेरी सांसें चल रही है यानी कि तब तक लक्ष्मी की सांसें भी चल ही रही है। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंगली चीजें देखने मिलती है जहां हमें लक्ष्मी की आंखें खुल जाती है और उसे सांस आ जाती है। और हालांकि दूसरी ओर हमें ये देखने मिलता है मलिष्का बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है कि उसने हालांकि मलिष्का ने लक्ष्मी की जान आखिरकार ले ही ली जो कि ऋषि और मलिष्का के बीच में हमेशा आ जाती थी। क्या लगता है दोस्तों आप लोगों को, क्या मलिष्का पकड़ी जाएगी? क्योंकि फैंस बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मलिष्का को एक्सपोज किया जाएगा। लेट्स सी कि कब हमें ये सब देखने मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और भी अपकमिंग स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो कैसा लगा और आप लोग को क्या लगता है कि अपकमिंग स्टोरी में क्या क्या हो सकता है। यहां तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।